पेट कमर के लिए, पेट और कमर के लिए बहुत अच्छा पोज है। अब मैंने दोनों हाथों को लॉक कर लिया, रिंग बना के पांव के ऊपर से जमीन पे टच कर लिया मैंने अपने हाथ। ऐसे आपने तो टांगे फोल्ड कर ली। टांगे फोल्ड नहीं करनी, सीधी टांगे रख के लेके जानी है। जी स्टार्ट। आपकी दिमाग की ब्लड सर्कुलेशन होगी। इसका कमर का कोई जॉइंट डिस्टर्ब है, वो ये फोर्स ना करे। राइट साइड पे कमर ले ले, लेफ्ट लेग फोल्ड करके आप कर सकते हैं, अच्छा किया आपने, लेकिन थोड़ा सा फर्क रह गया। नीचे लेके राइट साइड पे करवट ले ले, सीधी साइड पे ऐसे, बस इतनी करवट, इतनी करवट। ऊपर वाली टांग जो आप फोल्ड करें ऐसे, अब हाथ के ऊपर वजन डालते हैं, कोनी पे वजन डालते हैं, ऊपर उठते हैं ऐसे। वेरी गुड। जब टाइम हो गया कौन सा जी सर? 5 मिनट हैं। अब दोनों पांव में फासला करके बैठ जाएं। अब आपकी बॉडी का एक एक पार्ट की एक्सरसाइज हो गई है। फॉर एग्जांपल एक बंदा दौड़ लगाता है, दौड़ लगाने से टांगों की एक्सरसाइज होगी, फेफड़ों की होगी, ज़रूर होगी, लेकिन ये जो इधर एक्सरसाइज हैं ये दिमाग की अलहदा, एक बॉडी के एक एक पार्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी। फालतू चर्बी के ये सारे जितने पोज हैं सारे दुश्मन हैं। फालतू चर्बी कम हो गई, जनवन वेट रह गया, आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाएगा, आपका ब्लड लेवल बेहतर हो जाएगा, एनर्जी लेवल बेहतर हो जाएगा, यानी कुव्वत मुदाफ़त आपकी बहुत लेवल पर आ जाएगी। इनहेल करते हुए वन हैंड अप करें, घुटने जमीन की तरफ लेकर जाएं, बाजू ऊपर ले जाएं, कान को टच करके ऊपर देखें, चिल 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 चिल।